वो खाने पीने का महीना नहीं है, इबादत का महीना है। खाने पीने का महीना इसको ना बनाए, इबादत का महीना है। और जो है, और हम देखते हैं कि लोग जो है इफ्तार पार्टियां, आज आम इफ्तार पार्टी कराई जाती है, अब वो किसी वजह से भले वो जो है पॉलिटिक की वजह से करते हैं, राजनीति वजह है, लेकिन है कि आम है इफ्तार पार्टियां लोग करवाते हैं। इफ्तार पार्टी में बुलाया जाता है फला मुख्तलिफ कोई नेता आ रहे हैं, किसी बड़े लोगों को बुलाया जा रहा है, तो लोग इफ्तार पार्टी करते हैं। तो इफ्तार पार्टी में हमको देखना चाहिए कि इफ्तार कराएं तो किसको कराएं, किसको सादा स्वभाव इफ्तार कराएं, जो गरीब है आदमी। अब आपने मस्जिद में सबको बुला लिया, और जो आदमी उस आदमी को बुलाया, नेताजी को बुला लिया, बड़े आदमी को बुला लिया, पहले उसके बड़े मसले हैं, उसको जो है बीपी है, उसको शुगर है, उसको ये भाई ये मीठा नहीं खाता, मैं खजूर भी नहीं खाता हूँ, मैं बिरयानी नहीं खाता, इसमें तेल होता है, इसमें घी होता है, उसको कुछ खाना ही नहीं, और एक आदमी सब खा सकता है, तो बेचारा कोने में बैठा, उसको कोई नहीं पूछता। तो गरीब आदमी को तरजीह देनी चाहिए, इफ्तार पार्टी वगैरह जो भी करें तो करें, कोई चीज करना चाहिए, क्योंकि हालांकि इसको हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि गैर मुस्लिम को, ताकि वो हमारे पास में आए तो उनको मालूम पड़े कि हम किस तरह जो है रोज़ा इफ्तार करते हैं, किस तरह मिलकर जो है इसको इफ्तार करते हैं, खाते हैं, वो किस तरह मिलकर हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमारे निज़ाम और हमारी जो है उसके बारे में उसको मालूमात हो, तो उसको ठीक है, इसको किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो गरीबों का हम ध्यान रखें।